close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Good morning, friends. तो देखिए आज बन रहा है नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये मैंने शुद्ध देसी घी डाला हुआ था और ये घर पे बनाया हुआ घी है। तो थोड़ा सा इस तरीके से नीचे थोड़ा सा हो जाता है, उसका कलर ऐसा हो गया था जैसे ये घर पे ही बना था। और ये मैंने इसमें रवा डाल दिया है, रवा का हलवा बना रही हूँ मैं। सूजी का हलवा भी कहते हैं इसको, सूजी कहते हैं रवा को। तो ये देखिए अब हम भून लेंगे। इसमें घी बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा रवा और मिलाया, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा घी हो रहा था तो थोड़ा सा और मिलाएंगे हम। तो देखिए ये मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे बच्चे भी कम ही खाते हैं मीठा। लेकिन आज मैंने सोचा चलिए आज रवा का हलवा बनाते हैं रेसिपी के लिए। तो ये देखिए अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी घी में। इसका बस एक ही चीज़ पे हमें ध्यान देना होता है कि इसको भूनना बहुत अच्छे से पड़ता है। तेज़ आंच नहीं करेंगे इसकी तेज़, क्योंकि अगर आंच तेज़ करेंगे तो ये जल्दी जलने लगेगी। तो इसको हम धीमी आंच में ही भूनेंगे और बिल्कुल सुनहरा होने तक। और ये देखिए मैंने दूसरी तरफ थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं बनाऊँगी ये इलायची है इसको मैं कूट लूँगी। तो मैं बनाऊँगी वो वाला जिसका पानी खोला लेते हैं, सीरा बनाते हैं उसका। तो मुझे इसी तरीके से बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने कई जगह उस तरीके से भी देखा है कि सूजी को भून लिया, उसमें पानी डाल दिया, शक्कर डाल दी और ये सब। और मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि पहले मैं पानी को खोलाऊँगी, उसमें शक्कर डाल दूँगी और जो मैंने इलायची कूटी थी वो दो इलायची थी, अच्छी पकी हुई थी। अगर कच्ची होती हैं तो दो तीन चार पांच डालनी पड़ती हैं, तो दो ही थी मैंने डाली थी और वो अच्छी इलायची थी। तो इलायची कूट के उसका पाउडर भी डाल देंगे इसी पानी में। और ये शक्कर पूरी तरीके से जब इसमें पानी खोलने लगेगा और शक्कर भी घुल जाएगी पूरी तरीके से, तब हम जब तक हमारी सूजी भी भुन जाएगी। तो हम ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसके हलवे में इलायची का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए ये सूजी भुन रही थी मेरी आराम आराम से, मैंने बहुत धीमी आंच पे भुनी थी। और धीमी आंच पे ही सूजी अच्छी भुनती है, नहीं तो वो लाल लाल वैसी हो जाती है, जल सी जाएगी और भुनेगी नहीं। गुलाबी होने तक हमें भूनना होता है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे वो जो हम बना रहे हैं चाशनी जैसी, वो चाशनी नहीं बनाएंगे उसको, उसको बस पानी उसको खोलेगा उसका और उसकी शक्कर घुल जाएगी, बस हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ बिल्कुल धीमी आंच पे और ये हमारा पानी भी खोलने लगा है शक्कर वाला। तो अब मैं इसको जब तक मेरी सूजी भी भुन जाएगी तो फिर मैं उसमें मिला दूँगी। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और ये बच्चे थोड़ा बहुत ऐसे तो खा लेते हैं, लेकिन अगर इसमें मैं थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ तो मेरे बच्चों की यही कमी है, ये ड्राई फ्रूट निकाल निकाल के सब अलग कर देते हैं, खाते नहीं हैं, दोनों नहीं खाते हैं। तो मैंने फिर उसमें कुछ नहीं डाला था, ऐसे बना दिया था सादा। और ये देखिए भुन चुकी है सूजी पूरी तरीके से, गुलाबी हो गई है। और अब मैं इसमें ये खोल दूँगा शक्कर वाला पानी डाल दूँगी, इसमें इलायची का बढ़िया फ्लेवर आता है, इलायची भी डाली हुई थी मैंने उसमें कूट के, तो इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। मैं इसमें चाहूँ तो आप चाहें तो इसमें इसी पानी में केसर डाल दें, दो चार धागे केसर के डाल दें तो बहुत अच्छा कलर भी अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी हो जाता है अच्छा। तो और कुछ लोग कलर भी डाल देते हैं, जो फूड कलर होता है वो डाल देते हैं, तो वो थोड़ा सा
वो जो कलरफुल हलवा बनता है अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये घर के लिए है, कोई वो तो है नहीं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती हैं, तो सेहत के हिसाब से तो मैं नहीं डालती हूँ ये सब चीज़ें। तो ये देखिए मेरा हलवा लगभग लगभग तैयार है, बन चुका है। ये देखिए बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल खिला खिला हलवा बना था हमारा। और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ हमेशा, और आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, किसी को थोड़ा सा गीला पसंद होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी, ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी है, थोड़ी सी गरी डाल दी थी क्योंकि ये बच्चे नहीं खाते हैं, फिर फेंकते हैं, निकाल निकाल के अलग कर देते हैं और फिर डांट खाते हैं बाद में, तो मैंने डाली ही नहीं थी, नहीं तो डांट पड़ने लगती है बच्चों को। और ये देखिए अब मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे गेहूँ बनाना है। और आज मैंने अपनी जो खड़ा धनिया है, खड़ी धनिया होती है, ये मैंने सूखने को डाली है क्योंकि मैं इसको घर पे ही पीसती हूँ साफ करके, तो ये थोड़ी सी वो पीसने लायक नहीं थी क्योंकि ठंडक है तो वो गई थी, उसमें सीलन टाइप की आ गई थी तो ये पिस नहीं सकती थी, तो मैंने इसको धूप में डाली थी एक दिन के लिए। और ये देखिए मैं अपना यही गेहूं भी बना रही हूँ, और गेहूं बनाने के बाद ये छान रही हूँ मैं गेहूं को। ये देखिए मैंने बताया था आपको कि मैं अपना ये सब घर पे ही खुद ही करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और यही मैं अपनी धनिया सुखा लूँगी, तो मैं धनिया भी अपने घर पे ही पीसती हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी दरदरी होती है हमारी जो हम बाहर से पिसवाते हैं या जो मार्केट से पिसी हुई खरीदते हैं उससे थोड़ी सी दरदरी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं सॉफ्ट वो हो पाती है, तो इसीलिए मैं मिर्ची और धनिया ये दोनों मिक्सी में ही पीस लेती हूँ घर पे, और हल्दी बस बाहर से पिसवाती हूँ। तो ये देखिए मेरी धनिया पिसी सूखी हुई रखी है और मैं पीस रही हूँ इसको, तो ये देखिए पीसने के लिए मिक्सी में ही पीस लूँगी। और मुझे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, वो बहुत ज़्यादा महीन हो जाती है जो धनिया, वो धूल जैसी हो जाती है, उसमें बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता है। कभी आप इस तरीके से अगर पीस के एक बार टेस्ट करके देखें कि इसका अलग ही टेस्ट आएगा जो हम पीसते हैं घर पे पीस लेंगे। ये देखिए ये मेरी धनिया पूरी पीस के तैयार हो गई है, ये थोड़ी सी हल्की सी दरदरी रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है, और जो मार्केट वाली होती है वो बिल्कुल धूल जैसी हो जाती है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हमेशा खुद ही पीसती हूँ। इसी तरीके से मैं अपनी मिर्ची पीस लेती हूँ, खड़ी मिर्ची लाल मंगवा लेती हूँ बाजार से, सुखा लेती हूँ और फिर इसके बाद मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके पीस लेते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हम 1 किलो इकट्ठा पीस के रखें, जब हमें खुद ही पी करना है घर पे ही पीसना है तो थोड़ा थोड़ा करके पीस लेते हैं, जब ये ख़त्म होने वाली होती है तो फिर दोबारा से सुखा के अपना पीस लिया, ऐसा थोड़ी है कि एक बार में अपना रख लिया, ऐसा नहीं करते हैं हम। और इसी में हम मेरा दिन निकल जाता है, अपना पूरा दिन यही सब फालतू के काम करते रहते हैं। और ये देखिए ये दोबारा भी मैंने पीस ली है मेरी धनिया, ये देखिए मेरी पिस के तैयार हो गई है। अब ये 2-3 महीने के लिए तो मैं फ्री हो जाऊंगी, 2-3 महीने तो मेरी आराम से चलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ मैं अपनी सब्जियों में, बहुत कम लाइट मसाला डलता है मेरा, हल्का ही खाती हूँ, और हमारे घर पे भी बहुत सब लोग ऐसा ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं। तो ये देखिए मेरी धनिया पिस के तैयार हो गई है, और ये देखिए धनिया पिस चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मंदिर के लिए कॉटन मंगवाए थे, ये थ्रेड कॉटन है, काटन है जो धागे होते हैं, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, तो ये मंदिर मेरा बहुत ही प्यारा लगने लगा था, ये डाल दिए थे मैंने थ्रेड कॉटन। ये देखिए शाम का ब्लॉग है, शाम का की क्लिप है, जब मैं और ये मेरा बेटा ये दोनों हम रामायण पढ़ रहे थे तब बेटी ने इसको रिकॉर्ड किया था, तो ये थ्रेड कॉटन बहुत अच्छे लग रहे थे। आप भी इस तरीके से देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है मंदिर का, तो ये मैंने मीशो से मंगवाए थे, तो ये कॉटन बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए मिली है मेरे एक प्यारी मॉडल से जो मेरे घर आई थी, आपकी खूबसूरती का राज क्या है मैम?
अच्छी होंगे। आज फिर से मिलते हैं कुलपहाड़ ब्लॉग और संगीता के साथ। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग करते क्यों नहीं है, इसलिए मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी तक नहीं कराया आपने, आपको पता नहीं है आपने अभी तक नहीं कराया, करिए तो प्लीज़ करिए ना। और आपका जो हाल चाल हो तो कमेंट कीजिए, जो आपको नहीं आता हो वो कमेंट कीजिए, आपको जो दिक्कत हो वो कमेंट कीजिए, हाँ जो आपको नहीं बनाना आता हो वो कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे कैसे बनाना है। और आप कमेंट नहीं करते हैं और सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन लाइक शेयर ऐसे सब कुछ हैं वो आप दबाते नहीं हैं, आप प्लीज़ दबाइए। हाँ आप दबाते नहीं हैं, प्लीज़ दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब कुछ कीजिएगा और सब कुछ दबाइएगा, क्योंकि आप डरिए मत। अगर आप डरेंगे तो आप आपके पास कुछ नहीं होगा और हिम्मत भी नहीं होगी और आप कुछ दबा भी नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज़ दबाइए। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। बाय एंड गुड लक।